आधार पर तीन राज्यसभा की सीटें आती हैं तो वहाँ पर बनियों को बेजरूरी मारोगे, भैया इनको छोड़ो, इनके चक्करों मत पड़ो। फिर हमारा नंबर आता है, हम कहते हैं यार इनको छोड़ो, इनके चक्करों मत पड़ो, ये तो ऐसे ही हैं। ये सब समस्याएँ आप सब लोगों के सामने हैं। तो साथियों सिर्फ इतना कहूँगा कि जितनी दलित जातियाँ हैं वो सब हम सब भाई हैं, एक ही खून समझ के चलना। हम आपकी समस्याओं के लिए लड़ाई लड़ें, आप हमारी समस्याओं में लड़ाई लड़ें। हम अपनी समस्या का अकेले समाधान नहीं कर सकते, आप अपनी समस्या का अकेले समाधान नहीं करते होंगे तो आप अच्छे स्कूलों में भेजो, अच्छी शिक्षा प्राप्त होगी, और जब अच्छी शिक्षा प्राप्त होगी तो क्या बनेगा, वो सफाई कर्मचारी तो बनेगा नहीं। इन दो जातियों के अलावा किसी के बारे में नहीं बोला जाता, इट मीन्स ऐतिहासिक जाति है ये। इससे इसका मतलब ये समझा जाता है कि इतिहास में दर्ज है ये जातियाँ, वर्षों से हजारों सालों से इन दो जातियों को विशेष तौर पर आइडेंटिफाइड मान्यता दी गई है या पहचाना गया है। हमारी जैसी जातियों को तो आज भी गुमनामी की जिंदगी जीनी पड़ रही है। लेकिन क्यों कहा जाता है साथियों, आपको इसी शब्द के अंदर आपके रेगुलर ना करने का कारण छुपा हुआ है। अगर आप लोगों को पक्का करके बचपन में ही 20-25 साल में अगर पक्की नौकरी मिल जाएगी तो आपको अच्छी खासी सैलरी मिलेगी। जब अच्छी खासी सैलरी मिलेगी तो आप मलिन बस्तियों से, गंदी बस्तियों से निकल करके बाहर निकलेंगे, अच्छी बस्ती में जाएंगे, और जब अच्छी बस्ती में जाएंगे तो आपकी विचारधारा अच्छी बनेगी, आपको माहौल ऐसा मिलेगा, और उसके बाद जब आपके बच्चे होंगे तो आप अच्छे स्कूलों में भेजोगे, अच्छी शिक्षा प्राप्त होगी, और जब अच्छी शिक्षा प्राप्त होगी तो क्या बनेगा, वो सफाई कर्मचारी तो बनेगा नहीं, अच्छा ऑफिसर बनेगा। और जब अच्छे ऑफिसर सारे आपके बच्चे अफसर बन जाएंगे तो सफाई करेगा कौन? ये मनुवादी व्यवस्था है, इसको समझना पड़ेगा आपको। इसी मनुवादी विचारधारा के तहत आपको रेगुलर नहीं किया जा रहा है। सोचिए आप, आपको मात्र एक झाड़ू का फोटो दिखा करके एक आदमी मुख्यमंत्री बन जाता है, और मुख्यमंत्री बनने के बाद जब इस दिल्ली प्रदेश की विधानसभा के आधार पर तीन राज्यसभा की सीटें आती हैं तो वहाँ पर बनियों को भेजा जाता है। आप तो छोड़ो, जिसके बूते पर सरकार बनाई है, आज दिल्ली का प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि सफाई कर्मचारियों के बूते पर दिल्ली सरकार में आम आदमी की सरकार बनती है, और बनी है 10 सालों से। 10 सालों में आपका लिए क्या किया, अब तो MCD में भी उससे सरकार आ गई। मैं किसी राजनीतिक आधार पर बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सामाजिक आधार पर बात कर रहा हूँ कि आपने जिसको चुना, जिसको आपने प्यार दिया, और जिसके आपके झाड़ू के आधार पर मुख्यमंत्री बन गया, फोटो से, मात्र फोटो से, आपके तो हाथ में झाड़ू है, आपने क्या किया, कारण है उसके पीछे, कि कारण ये है कि हम संगठित नहीं हैं। अभी इतनी सारी मैंने देखा, यही आपकी समस्या है, इतनी सारी संस्थाएं, जाति एक संस्था है, आप संगठित कैसे हो जाओगे? जब आपके अंदर ही विरोधाभास है तो आपकी समस्या सुनेगा कौन? कौन सी सरकार सुनेगी? और सरकार यही चाहती है कि आप विभाजित रहें, आप अपनी एक आवाज़ बुलंद ना कर सकें। इन चीज़ों को समझिए साथियों। और ये फिर बताना चाहूँगा आपको कि आप फिर भी चलो मान लीजिए, मैं एक बात कह देता हूँ कि आप एक ही बैनर के तले अगर आप खड़े हो भी गए तब भी आपकी समस्या का समाधान नहीं होने वाला, आपको सत्ताधारी बनना होगा, मांगने की बजाय देने वाला आपको ताकत हासिल करनी होगी। साहब कांशीराम जी के साथ मैंने काम किया है, उन्होंने भी ये कहा हमें निकाल के लाए जातियों से कि आप जाति के नेता बनो और अपने जाति का भला करो। आप लोगों को एकजुट होना पड़ेगा, आपको अपने 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 बीच में से पार्लियामेंट भेजना होगा, असेंबली भेजना होगा, मेयर बनाना होगा, अपनी ताकत से, किसी राजनीतिक पार्टी की ताकत से नहीं। आज आपके बूते पर मुख्यमंत्री कौन है? आपके समाज से, सफाई कर्मचारी से नहीं है, बाल्मीकि समाज से नहीं है। बताओ मंत्री कौन बनाया? एक मंत्री बनाया था, उसको भी घर पहुंचा दिया उसने। कौन सी चीज़ें उन्होंने दे रखी है? ना आपको सांसद बनाया दिल्ली से, एक सांसद तो भेजना था। हर व्यक्ति आपके अलावा सब जानते हैं कि बाल्मीकि समाज के जो सफाई कर्मचारियों के आधार पर दिल्ली प्रदेश में अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बना हुआ है। ये आपको समझना होगा कि उनकी पॉलिसी क्या है, क्यों आपको रेगुलर नहीं कर पाई कोई भी सरकारें। 77 सालों से इंदिरा के ज़माने से लेकर के आज मोदी के ज़माने तक आप लोगों को रेगुलर करने की नीति क्यों नहीं बनाई जाती? हजारों आपने लेटर बना दिए, हजारों सब ज्ञापन दे दिए, हजारों आपने प्रदर्शन कर लिए, क्यों? सिर्फ कारण ये है कि अगर आप लोग काबिल बन गए, आप लोग पढ़ लिख गए, आप लोग अफसर बन गए, क्योंकि कोई भी जाति इस देश की सफाई नहीं करना चाहती है।
अगर आप लोग मुझसे सफाई कर्मचारी बनना बंद हो गए तो इस देश में सफाई की व्यवस्था संभालेगा कौन? हाँ, बस वो ये जरूर चाहते हैं कि सुलभ शौचालय का जो प्रोजेक्ट लगाया, कूड़ा उठाने की जो गाड़ियाँ लगाई, जो और ये टैंक वैंक लगाए, उनका मालिक तो वो बन जाएंगे, लेकिन सफाई नहीं करेंगे। समझो इस बात को, इस पॉलिसी को आपको समझना। ये ऐसे आप कार्यक्रम करते रहिए, लड़ाई लड़ते रहिए, ज्ञापन देते रहिए, अपने बूते आप सरकार को झुका नहीं पाओगे। एक तो आपको अपने बीच में से आपको भेजना पड़ेगा असेंबली में और पार्लियामेंट में। दूसरा साथियों, दूसरी वजह यह है कि कोई भी इस देश की 6,743 जातियाँ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और OBC की हैं, उसमें से 2,000 जातियाँ तकरीबन शेड्यूल कास्ट की हैं। आपको अपने भाइयों को पहचानना होगा, उन भाइयों को अपने साथ खड़ा होना होगा। जब तक हम दलित जातियाँ एक दूसरे के साथ भाईचारा स्थापित नहीं करेंगी, एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिला करके नहीं चलेंगी, हमारी समस्याओं का समाधान होने वाला नहीं है। हम लोग भी पुलिस प्रताड़ना से पीड़ित हैं, हम लोग अपराध के बंधुआ मजदूर हैं। पुलिस हमसे जबरन अपराध करवाती है। हमारा साथी कोई आज एक शराब बेचना बंद कर दे, अगले दिन पुलिस आके ले आती, ये तो शराब बेच या तो जेल भेजते हैं। हम इस टाइप के अपराध के बंधुआ मजदूर हैं। ऐसे ही आप लोगों के साथ ये प्रॉब्लम है कि आप इस सफाई के कार्य के बंधुआ मजदूर हैं। आपको वो छोड़ना नहीं देना चाहते, क्योंकि उनका सारा कारोबार ठप हो जाएगा। आप एक दिन किसी ऑफिस में सफाई नहीं होती तो उस ऑफिस में काम नहीं हो सकता है। ये वो भली बात ही जानते हैं, हम भली बात नहीं जानते इस बात को कि ये कितना इंपॉर्टेंट वर्क है इस देश का। हमें अपनी अपने आसपास की जातियों को पहचान कर अपने साथ जोड़ना होगा। हम आपकी समस्याओं के लिए लड़ाई लड़ें, आप हमारी समस्याओं में लड़ाई लड़ें। हम अपनी समस्या का अकेले समाधान नहीं कर सकते, आप अपनी समस्या का अकेले समाधान नहीं कर सकते हो। साथियों, सभी दलित जातियों को पहचानो, उनके साथ भाईचारा स्थापित करो, एक दूसरे का सहयोग स्थापित करो और अपने अपने विषय के अपने अपनी समस्याओं की लड़ाई इकट्ठा लड़ो। तब इस देश की सरकार हिलेंगी, उन देश की सब कुर्सियाँ हिलेंगी, सरकारें हिलेंगी। तब आपसे पूछेंगे कि भैया आपकी समस्या बताइए क्या है। तब जाकर के यह है कि भाई धीरे धीरे बड़ी समस्या, छोटी समस्याओं से छोटी समस्या का समाधान होगा। आज हम पुलिस से प्रताड़ित हैं तो आप हो सकता है हंस रहे हो या दूरी मारोगे, भैया इनको छोड़ो, इनके चक्करों मत पड़ो। फिर हमारा नंबर आता है, हम कहते हैं यार इनको छोड़ो, इनके चक्करों मत पड़ो, ये तो ऐसे ही हैं। ये सब समस्याएँ आप सब लोगों के सामने हैं। तो साथियों, सिर्फ इतना कहूँगा कि जितनी दलित जातियाँ हैं वो सब हम सब भाई हैं, एक ही खून समझ के चलना और उनके साथ भाईचारा स्थापित करो, रोटी बेटी का रिश्ता स्थापित करो। तो वो दिन दूर नहीं है जब इस देश का हुक्मरान भी हम होंगे, इस देश को संचालन भी हम करेंगे और इस देश की समस्याओं का समाधान भी हम करेंगे। कब तक भीख मांगते रहोगे? मत मांगो, कटोरा लेकर के देने वाली ताकत का जब निर्माण करो। और सबसे बड़ी बात है कि आप अपने अंदर पहले संगठन पैदा करो, हमसे संपर्क करो। भाई जो हमारे जाटो भाई हैं, चमार भाई हैं, खड़ेक भाई हैं, धोबी भाई हैं, उन लोगों से संपर्क स्थापित करो, जितने हमारे नेता हैं उन नेताओं को आपस में समन्वय स्थापित करके और एकजुट एक समन्वय समिति जा करके सब पूरी दलित जातियों का जितने एक संगठन बन गया। आपको आंदोलन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको ज्ञापन देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सरकारें अपने आप उनके पास IBK और सिक्योरिटी रॉ की तरफ से उनके पास अपने गुप्त जोरों से सीक्रेट इन्फॉर्मेशन उनके पहुँच जाती है कि भाई अब ये इकट्ठे हो गए, इनको शोषण मत करना वरना ये सरकारें गिरा देंगे। आपके पास सरकारें आएंगी कि भैया आपको चाहिए क्या। सोचिए इस बारे में कि हमने करना क्या है। एक फोटो दिखा करके जो आपकी सत्ता हासिल कर सकता है, अपनी ताकत को पहचानिए कि कितनी बड़ी ताकत हो आप। मात्र फोटो से सरकार आप बन सकती है, आपके तो हाथ में रियल झाड़ू है। सोचिए कि सरकार के साथ आप क्या कर सकते हैं। मत दो दोष हो अपने भाइयों को, मत दोष दो आपने अपने संगठनों को। सब लोगों को बोलो कि भाई एक हो जाओ, एक मुट्ठी बना करके जिसमें लड़ाई लड़नी शुरू हो जाएगी, हम इस देश की समस्या नहीं बनेंगे, हम इस देश के हुक्मरान बनेंगे।